हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिश्री एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बनाएंगे हम लोग व्लॉग। मैं और मामा गए थे मॉल थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने। काफ़ी टाइम से हम लोग घर में थे, कहीं भी नहीं गए थे आउटिंग के लिए, तो हमने सोचा क्योंकि आज संडे भी है तो चलो चलते हैं मॉल, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा KFC इन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा फूड वगैरह खाते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो हम लोग आ गए लकी वन मॉल और यहाँ पर मैं थोड़ी क्लिप्स ले रही थी क्योंकि धूप और अच्छी थी और थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छा था, तो मैंने क्यों ना मेरी वीडियोज़ शूट कर लें। यहाँ पर आप लोग मेरा ड्रेस देख सकते हैं, ये ड्रेस मैंने लिया था साया से और ये बहुत ही कंफर्टेबल और टू पीस ड्रेस था और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था ये, तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा। हम लोग तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमाते हैं पर हमारी मम्मा कहीं नहीं जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है थोड़ी आउटिंग के लिए। तो हमें मैंने आज मम्मा को बोला कि आज संडे भी है तो चलो चलते हैं हम लोग लंच डेट पर, अच्छे से शॉपिंग करेंगे, थोड़ा खाएँ पियेंगे, इन्जॉय करेंगे, पूरा डे हम लोग अच्छा सा स्पेंड करेंगे। तो हम लोग आए यहाँ पर लकी वन मॉल, ये बेस्ट होता है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग आराम से फूड कोर्ट में बैठ के अपना डिनर लंच भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और पहले ब्रांड में हम लोग गए साया ब्रांड में। साया पे बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, टू पीस ड्रेसेस भी आए हुए हैं और अच्छे अच्छे अनस्टिच ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे कलेक्शन है। ये दुपट्टे वाले ड्रेसेस हैं कुर्ती टाइप की और ये अलग से टू पीस ड्रेसेस हैं, बहुत ही अच्छे लूज़ ड्रेसेस हैं, आपको हर साइज मिल जाएगा यहाँ पर। जो मैंने और मामा ने जो ड्रेस पहना है वो भी हमने यहीं से लिया था, 4000 तक के 5000 तक के आराम से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अनस्टिच भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी यहाँ पे, हर कलर थे, पेस्टल कलर्स थे, पिंक कलर्स थे और हर कलर के आपको व्हाइट और ये ब्लैक कलर मिल जाएगा, वाला कलर बहुत अच्छा था। मेरी काफ़ी दोस्तें भी यहीं से शॉपिंग करती हैं, उनको यहाँ के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, साइजेस मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात कि वैरायटी बहुत होती है इनके पास। ऐसा नहीं है कि आपको एक ड्रेस है तो उसके वैरायटी मिल जाएगी, कलर्स भी मिल जाएंगे। ये देखेंगे, ये चिकन की कढ़ाई काम हुआ होता है इस ड्रेस के ऊपर और बहुत खूबसूरत ड्रेस था। फिर हम लोग आ गए किसी दूसरे शॉप पर, यहाँ पर मैं आपको अपनी थोड़ी सी वीडियोज़ बनवा देती हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था, तो मुझे दिल चाह रहा था कि मैं अपना ड्रेस अपनी पिक्चर्स वीडियोस कैप्चर करती रहूं। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे एडन रोप पर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, वैरायटी आई हुई थी, तो यहाँ पे मुझे दूर से ही टी शर्ट्स और ये कोट सेट्स देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे पर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, 99 के की एक टी शर्ट थी, तो ये बहुत बिट एक्सपेंसिव। और ये मैक्सी बहुत अच्छी थी, फैब्रिक बहुत ऑसम था इस मैक्सी का। अगर आप मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्टेमिना होना चाहिए घूमने के लिए। थोड़ा सा मैं चली फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आई और मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया था इतना। और यहाँ पर ये पीछे पिंक कलर का कोट सेट था, इतना खूबसूरत था, इसका कपड़ा पता नहीं कौन सा कपड़ा था, सिंकल कपड़ा था, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था और क्वालिटी तो A1 क्वालिटी थी इसकी। और यहाँ पे टी शर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे आके एडन रोप पे बहुत अच्छा कलेक्शन ले सकते हैं, आउटफिटर्स पे भी जा सकते हैं, आउटफिटर्स पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर आप लोग की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। बस पे यहाँ पे बुराक आया था, उस्मान कुरस उस्मान आया था, तो बस उनकी यहाँ पर जो चल रही थी, सैटरडे को आया था और हम संडे को आए थे, और यहाँ पर उनका फ्रेग्रेंस परफ्यूम लॉन्च हुआ है, तो बस उनकी वहाँ पर वो सब चल रही थी, एडवर्ट चल रहा था। बस मैं बोल रही थी मामा को कि चले भैया कुछ खाते हैं, भूख लग रही, काफ़ी टाइम से हम लोग घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो बस अब हम जाएंगे और फिर खाएंगे। और हम आ गए यहाँ पर मिर्ची पर, यहाँ के गोलगप्पे ट्राई करने, और बस फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर में जाके ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पर यार गोलगप्पे की प्लेट एक 350 की, कितनी एक्सपेंसिव, कहाँ कुछ साल पहले गोलगप्पे की प्लेट 190 की मिल जाती थी, 200 की मिल जाती थी। फिर आ गए हम लोग KFC पे, यहाँ पे मैं ऑर्डर कर रही थी और वो मना कर रहे थे कि आप ऑर्डर वीडियो ना बनाएं, बस फिर हमने कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पे हमने क्रंच बर्गर्स और फिर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, उसके बाद हमने माइटी सिंगर भी ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मेरे भाई को वो खाना था, बड़ा मज़ा आया, हमने केचप डाल के आराम से इसको खाया। और गोलगप्पे भी मैं लेके आ गई थी 350 के, ये मिले गोलगप्पे से चमाड़ मारो उनके, मुझे जाकर फिर आराम से बैठ के हमने अपना KFC खाया, आराम से बर्गर में केचप डाला, मज़े से अपने बर्गर से इन्जॉय किए, वीडियो नहीं बनाई, बस ऐसे खाते रहे। या यहाँ से अच्छे गोलगप्पे तो हमें मनपसंद भी मिल जाते हैं, वो कम अज़ कम उसमें लवाजमान अच्छे से चटनी वगैरह दही वगैरह डाल के तो देते हैं, इन्होंने कुछ भी डाल के नहीं दिया, अजीब है भाई। और पानी इतना खट्टा था, मेरा गला अब यकीन ख़राब होने वाला ही है, बस दुआ करिए आप लोग ख़राब ना हो। और मैंने उस पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी, बस अल्लाह हाफिज़ है। बस फूड इन्जॉय करके बड़ा मज़ा आया था, उसके बाद मैंने KFC ऑर्डर कर लिया था मेरे भाई के लिए, और फिर हमने ऑर्डर की थी KFC की आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा स्वीट थी ये, बहुत ज़्यादा ही स्वीट थी पर खा ली थी, मज़े की थी, अच्छी थी, 100 रुपीज़ की ये आइसक्रीम थी और बहुत अच्छी थी, तो मैंने आराम से अपनी आइसक्रीम इन्जॉय करी, मामा भी इन्जॉय कर रही थी आइसक्रीम, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी, क्योंकि तबीयतें सही नहीं रह रही हैं आजकल, गर्मियों के सीज़न में भी नज़ला खांसी बुखार चले जा रहा है, ख़त्म ही होकर नहीं दे रहा, और सर्दियों में तो पता ही नहीं क्या हाल होगा। बस उसके बाद हम लोग अपनी आइसक्रीम इन्जॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग को शॉपिंग वगैरह भी हम लोगों ने करी थी। ये है मेरी मामा, माई फॉर एवर डेट,
और बस यहाँ पे बैठ के हम एंजॉय कर रहे थे। और सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको छोटा सा व्लॉग? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू अमेजिंग व्लॉग्स एंड वीडियोज़। अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आएंगी। और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।